दोस्तों, कौन कहता है कि मुंबई की बागम बाग वाली जिंदगी में दो पल सुकून के नहीं मिलते, पंछियों की आवाज़ नहीं मिलती। ये देख लीजिए आप, अभी बहुत सारे पंछियों की आवाज़ भी मिल रही है, सुकून के दो पल भी है, और क्या चाहिए हम लोगों को सुबह सुबह। ये है मुंबई की मॉर्निंग। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ कथा सत्यनारायण भगवान की पूजा से। तो ये कुछ प्रिपरेशन है जो कि मैंने पहले से करके रखी है, बस अभी महाराज के आने की वेट है। ये वही वाले महाराज आएंगे जो कि मेरे वास्तु वाले व्लॉग में थे। ओ, अगर आप लोगों में से किसी ने वास्तु का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देख लीजिए। आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है मुझे वो व्लॉग में, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो थैंक यू वेरी मच आप सबका कि जिनको मेरा वो व्लॉग पसंद आया है। और चलिए देखते हैं पूजा यहाँ पर क्या कर रही है। ये रहा भगवान के प्रसाद का शीरा जो सूजी और दूध और शक्कर से बनता है, जो बहुत ही लजीज होता है और भगवान का आशीर्वाद होता है इसमें। और ये रहा पंचामृत जो पांच तत्वों से बनाया जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा है, उसके लिए उनका फेवरेट सूजी का शीरा बन रहा है। मैं अंदर खाने की प्रिपरेशन कर रही थी और प्रसाद बना रही थी, तब इधर देखिए मेरे वाले प्रसाद ने क्या रेडी करके रखा है, सब पूजा का सामान अच्छे से अरेंज करके रखा है। और यहाँ पंडित जी ने सारी तैयारियाँ शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं जो बजट सेंटर में रखा है जहाँ पे सत्यनारायण भगवान की स्थापना होगी, उसके चारों ओर केले के पत्ते सेट कर दिए गए हैं। और बाकी सारी सामग्री जैसे दिए रेडी करना, दीप के लिए, समय के लिए, वो भी यहाँ पे पूजा रेडी कर रही है। ये दो तरीके से होंगे, एक तेल का पूरा समय रेडी होगा, तेल के दिए, और जो आरती में लगेंगे वो घी के दिए सेट होंगे। तो ये पूजा वो सारा रेडी कर रही है, अगरबत्ती धूप वो सब भी शुरू हो चुका है यहाँ रेडी करना। और यहाँ पर मैं और पंडित जी डिस्कस कर रहे थे कि सत्यनारायण की पूजा क्यों ज़रूरी रहती है, खास करके अपने घर में साल में एक बार क्यों करनी चाहिए ये पूजा। सर्व कर्मा तेजस्वस्तु या दिशा महे शांति ओमान ओम त्र्यंबकमिजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं शमामृतात् पिङ्गलो सर्वं कर्मामहे तेजस्विनादिमस्तु या दिशा वै शान्तिपितरमस्तु साम्यमस्तु गणपतियुताय नमो नमः। आवण स्थापना पूजा समर्पयामि एतवेक्तु शात शुद्धत्व सर्वं कर्मामहे तेजस्विनास्तु या दिशा वै शान्तिपितरमस्तु भद्रं पश्यमाशु देवासं नमामि यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्र रुद्रेश्वरः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति तमेवं केवलम् अर्थासि तमेवं सर्वकल्पमासि। ओम साक्षात्मासि नित्यं वृत्तं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्महम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानित्यम् अवशिष्टम् अवपश्यात् तस्मात् द्विराट जयन्। गणपति स्थापन होने के बाद यहाँ पर हम अभी कर रहे हैं बालकृष्ण की मूर्ति की पूजा, ये भी बहुत ही नेसेसरी है। सत्यनारायण की कथा होती है तो बालकृष्ण की पूजा भी होनी जरूरी है। ये सारी जो स्थापन हो जाता है उसके बाद ही शुरू होती है सत्यनारायण भगवान की कथा, जो कि पांच अध्याय में डिवाइड किया हुआ है और पांचों अध्याय में एक अलग ही स्टोरी है, जो कि बच्चों को भी सुनानी चाहिए। बच्चों को भी ये सारी चीज़ें करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार हमने आर्यन को भी हमारे साथ ही बिठाया था और सारी चीज़ें उसने भी अच्छे से सुनी और समझी। व्रत करने इस तरह सत्य भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकारा मोक्ष। पूजा पहली सर्व ही करती
शंभुकूपे गणराज जय जय लंबोदर गणराज लंबोदर गणराज जय जय लंबोदर गणराज वक्रतिशुण्ड एकचिदंत बुद्धिदया गण वज्र अस। आप सब भी यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा के दर्शन कर लीजिए, आरती भी ले लीजिए और बस भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हम सबको एक सुकून की ज़िंदगी दे, क्योंकि आज के ज़माने में सुकून ही हम सबको चाहिए होता है जो कि नहीं मिलता है। जय जय दीन दयाल सत्य नारायण देवा अनन्य भावे प्रेमी एवत एजन आकृति। और यहाँ पर बस हमारी सत्यनारायण भगवान की पूजा जो है वो ख़त्म हो गई, बहुत ही अच्छे से हुई। सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने करवा दिया था ताकि अच्छे वाले माहौल में ये वाली पूजा हमारी हो जाए। और ये देखिए आर्यन तुरंत ही खड़ा हो गया, भगवान का दर्शन किया और अभी वो उसको हो रहा था कि मैं कब कुर्ता चेंज करूँ। गरम गरम पूरियां खाने आ जाइए आप सब। ऑलमोस्ट सारा खाना रेडी है, दाल पूरी चावल और सब्जी। सत्यनारायण भगवान की जय। फाइनली काफी टाइम से सोची हुई चीज मैंने आज कर ली है जो कि है सत्यनारायण भगवान की पूजा। आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हम लोगों ने सुबह से सारी तैयारियां की थी और अभी जस्ट उनको भोग लगाया है और अभी हम लोग खाने बैठेंगे। तो होप कि आप लोगों को ये सारी पूजा का माहौल आज देख के अच्छा लगा होगा। और ये वाले व्लॉग से मैं अपना वापस से कमबैक कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया क्योंकि थे कुछ हेल्थ के इश्यूज थे। खैर अभी वो सारी चीज़ें के लिए मुझे बात नहीं करनी है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। तो उसी के साथ अच्छे काम के लिए भगवान का साथ होना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए आज का मेरा ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने भगवान की पूजा से ही किया है। होप कि आगे भी सब अच्छा ही रहेगा और आप लोगों की ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा ही रहा होगा। मैं वही दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ और अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलूंगी।